दोस्तों नमस्कार, मैं देसी पत्रकार मनीष महिवाल। आज पटना के मोना सिनेमा हॉल में सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, मनोज बाजपेयी सुपरस्टार के साथ पटना के रंगकर्मी कलाकार एवं स्थानीय लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। एक बंदा काफी है। क्या बात है राजराज जी, आप तो मनोज बाजपेयी जी को फिल करने जा रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं मनोज बाजपेयी जी के साथ मूवी देखेंगे। आप नहीं बताते तो नहीं पता चलता मैं हूँ जी। ये है रासराज जिनका कहना है कि एक बंदा काफी है। हम लोग मोना सिनेमा हॉल में हैं, आइए अंदर चलते हैं, अंदर का नजारा आपको दिखाते हैं। एक बंदा काफी है, अरे चलो ना यार। सर क्या बात है, वेलकम है आपका भी। ये हम लोग मोना सिनेमा हॉल में इन कर चुके हैं, पूरा सन्नाटा। क्या बात है, एक बंदा। अरे भैया प्रणाम, भैया प्रणाम, भैया आपका दर्शन दुर्लभ हो गया। भैया आपको दर्शन होगा ना। वेरी गुड, क्या बात है, क्या नाम है? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। विकास कुमार क्या करते हो? अभी पटना रंगमंच से जुड़ा हुआ हूँ। किसके साथ नाटक कर रहा है, कौन ग्रुप से? कालिदास रंगालय। चलो ठीक है। ये बगल में तुम्हारे कौन है? ये सब दोस्त हैं। ये दोस्त है, बाल बहुत अच्छा है इसका। और ये तो वो खलनायक तुम्हारा दोस्त है यार, ये तो महा खलनायक है। देखिए बिहार में बंद है फिर भी बात नहीं मानते, हॉल में शुरू हो गए हैं। ये है बिहार आर्ट थिएटर के कलाकार हैं और मनोज बाजपेयी जी को देखने सुनने आए हैं, जिनका फिल्म देखेंगे। ये दो अभिनेत्री क्या करते हैं तुम लोग? हम लोग भी एक्टिंग करते हैं, नाटक करती हो? हाँ, हम लोग अभी स्टूडेंट है बीआईडी के। वेरी गुड, क्या नाम है? कोमल। मनोज बाजपेयी जी से बातचीत हुई? हाँ, मुलाकात तो हो चुकी है। हुआ है, चलो ठीक है। ये लगभग आज जो हॉल में लोग देखेंगे वो कलाकार ही दिखेंगे, धीरे धीरे हॉल भरती जा रही है। आप देख रहे हैं मनोज बाजपेयी जी हॉल में एंट्री कर चुके हैं, आइए चलते हैं इनके साथ। पत्नी कौन? नहीं है। चलिए तब अभी फोटो नहीं, छोड़िए छोड़िए आप लोग। आप सभी प्लीज अपने जगह पे बैठ जाएं, आगे 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 नहीं आए, प्लीज अपनी जगह पे बैठे सब लोग। प्लीज प्लीज सब लोग अपनी जगह पे बैठिए, नहीं तो फिर लेट होगा कार्यक्रम में। सिर्फ एक बंदा काफी है और आपके साथ है। एक बंदा काफी है, एक बंदा काफी है और आज ये हम सभी पटना वासियों के लिए ये काफी गर्व की बात है कि हम सभी एक साथ इस समय हैं और हमारे साथ बिहार के आन बान और शान मनोज भैया हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां। भीखू मात्रे। और मैं मनोज भैया से आग्रह करूंगा कि आप हम सभी हमारे बीच आए, दर्शकों को दो शब्द बोले और इस फिल्म के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर चलते हुए करीब 4 हफ्ते होने जा रहे हैं और अभी भी ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर के रूप में इस साल की सबसे बड़ी फिल्म के तौर पर जानी जा रही है। अब जिस फिल्म ने यह साबित किया कि अच्छी फिल्म बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, नीयत की ज़रूरत होती है। और इस फिल्म के बारे में प्रचार प्रसार हमने रोका नहीं है अभी तक, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, ये फिल्म हमारे समाज का हिस्सा है, हमारी समाज की प्रेरणा को आपके सामने रखता है। हमारे आसपास जितने भी अत्याचार अन्याय जिस तरीके से होते हैं, चाहे किसी के साथ हो, लेकिन इस फिल्म में एक छोटी सी बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, उसको न्याय दिलाने के लिए सिर्फ एक आदमी उस सामने आता है और कैसे पूरी लड़ाई लड़ता है उसको न्याय दिलाने के लिए, कैसे पूरी न्याय व्यवस्था साथ में आती है, कैसे पूरा पुलिस प्रशासन साथ में आता है,
बड़े से बड़े लोग दूसरी तरफ शामिल होते हैं, फिर भी न्याय उस लड़की को मिल के रहता है। ये कहानी है और मैं चाहता हूं कि आप लोग जब फिल्म देखें तो जो भी आपको एक्सपीरियंस हो कृपया उससे अपने पड़ोसियों के साथ, अपने परिवार के साथ साथ इस सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि इस फिल्म की जो भी संदेश है वो लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग बाध्य हों कि इस फिल्म को देखें। ये जैसा मैंने कहा कि ये फिल्म सिर्फ अब फिल्म होके नहीं रह गई है, ये एक राष्ट्रीय प्रेम बन चुकी है और उस प्रेम को आगे बढ़ाना अब आपका काम है, क्योंकि आप लोग मेरे सम्मानित अतिथि हैं और आप ही के लिए मैं पटना आया हूं ताकि मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को इस फिल्म को दिखा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सारा सम्मान। आप देख रहे थे पटना के मोना सिनेमा से मनोज बाजपेयी जी हॉल में अपनी फिल्म संबंधित बात रखें और ये हॉल में बैठकर सिनेमा देखेंगे, पूरी जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में जो दर्शक आए हुए फिल्म का आनंद लें। दोस्तों, फिल्म शुरू हो चुकी है। फिल्म खत्म होने के बाद मनोज बाजपेयी जी के साथ हम पुनः आपके समक्ष लेकर आएंगे और उनसे बातचीत करेंगे अपने अगले वीडियो में।